नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे कि HTML का यूज़ कैसे करते हैं, HTML से वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब पेज क्या होता है वो स्टडी कर लेंगे। ये एक वेब पेज है, जैसे हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे ये एड्रेस बार दिया हुआ है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए टाइटल बार है और फिर बाकी ये जो एरिया है यहाँ पे आपको वेब पेज का जो भी इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट कंटेंट है या फिर जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो डिज़ाइन करेंगे। तो पहले तो आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। सर्च में आप लिखिए नोटपैड या कोई भी एडिटर आप ले सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया या नोटपैड। तो हम नोटपैड लेते हैं। फर्स्ट टैग जो है यहाँ पे आप लिखेंगे HTML और उसके बाद वही टैग को आप क्लोज करेंगे। यहाँ पे जो ओपनिंग एंगल दिया हुआ है और ये क्लोजिंग एंगल है, इसके बीच में जो वर्ड लिखा है ये HTML है। HTML को हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे क्लोज किया HTML, ये क्लोज हो गया। उसके बाद दो सेक्शंस में इसे डिवाइड किया जाता है, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। ये वाला सेक्शन जो वेब ब्राउज़र का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हेड सेक्शन है और ये वाला एरिया जो है पूरा ये बॉडी सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड और हेड को वहीं पे क्लोज करेंगे स्लैश जहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया और इसके बीच में हम लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइटल और क्लोजिंग के लिए स्लैश टाइटल। HTML के ज़्यादातर टैग जो होते हैं वो पीयर फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरह से रहेगा। तो अगर ये फर्स्ट पेज है तो हम लिखेंगे फर्स्ट पेज, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी सेक्शन, बॉडी टैग यूज़ करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग बॉडी टैग। ठीक है, आप देखेंगे हेड टैग उसमें टाइटल टैग लिखा है और हमने टाइटल में लिखा है फर्स्ट, यानी एक कंप्लीट सेक्शन हो गया और ये सेकंड सेक्शन हो गया। तो इसका इफेक्ट किस तरह से होता है वो देखेंगे। हम इसे सेव करते हैं इस पेज को और यहाँ पे आप लोकेशन लेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो one.html इस तरह से लिखेंगे। .html ये इसका एक्सटेंशन है, इसलिए इसे यहाँ पे जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो फाइल का नाम दे सकते हैं और उसके बाद .html लिखना है। यहाँ पे सेव एज टाइप टेक्स्ट के बजाय ऑल फाइल्स करिए और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप डेस्कटॉप पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोर का आइकॉन यहाँ पर आ गया होगा और one.html दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं एक ब्राउज़र, ये डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा, लेकिन यहाँ से हम ब्राउज़र का सिलेक्शन कर सकते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे टाइटल आ गया फर्स्ट पेज और यहाँ पे ब्लैंक है। अदरवाइज़ जब भी हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, मतलब गूगल लिख के आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अपने ब्राउज़र में सेट किया है वो दिखाई देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक। यानी टाइटल सेक्शन में जो हमने लिखा था यहाँ पे टाइटल में फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज आ गया। अगर यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वही वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश कर दीजिए, दिस इज माय फर्स्ट पेज, इस तरह से। तो इस सेशन में हमने देखा कि यानी हेड सेक्शन को किस तरह से हम लिख सकते हैं, वेब पेज का टाइटल हम किस तरह से दे सकते हैं।